और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड पर सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी है। सेमेस्टर की परीक्षा 11 फरवरी से होगी। प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन दोपहर 12 बजे ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। उत्तर लिखकर विद्यार्थी उसी दिन या दूसरे दिन 12 बजने तक परीक्षा केंद्र में भौतिक रूप से उपस्थित होकर या डाक के जरिए जमा कर पाएंगे। 24 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिका जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों को एग्जाम में एब्सेंट अनुपस्थित माना जाएगा। प्रश्न पत्र ऑनलाइन मोड में भेजे जाएंगे, लेकिन उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में स्वयं हाजिर होकर या डाक के माध्यम से 24 घंटे के अंदर अंदर जमा करनी है। विस्तृत समय सारणी और दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद हैं। विद्यार्थी अगर उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र से प्राप्त नहीं कर पाए तो वो अपनी ओर से कॉपी में लिखकर जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में परीक्षा के आवेदन के लिए छात्रों की भारी भीड़ यूनिवर्सिटी में उमड़ गई। ब्लेंडेड मोड में इस परीक्षा का आयोजन कराने जा रहे हैं। वो दिन में 12 बजे प्रश्न पत्र उनके पास पहुंच जाएगा और 12 बजे के बाद उनको लिखना है और लिख करके उसी दिन शाम 5 बजे तक के परीक्षा केंद्र में जमा कर दे। यदि उसी दिन नहीं कर पाए तो दूसरे दिन 12 बजे तक भी वो जमा कर सकते हैं, और यदि दूरस्थ कोई परीक्षार्थी है तो डाक के माध्यम से वो 12 बजे के पहले दूसरे दिन उसको भेजना होगा। इन तस्वीरों को देखकर ये मत समझिए कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति बेहतर हो गई है। कॉलेजेस खुल गए हैं और ये छात्र सामान्य दिनों की तरह कॉलेज पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भी कोरोना की स्थिति बदतर है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और यही वजह है कि ज़्यादातर कॉलेजेस बंद हैं। लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, ये छत्तीसगढ़ के सबसे जाने माने और सबसे बड़े विश्वविद्यालय कहे जाने वाले रविशंकर विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं।